महाशिवरात्रि पर बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति मंदिर में इस बार अनोखा समारोह करने जा रही है। आखिरी में 125 युवा की डमरू टीम प्रस्तुति देगी। समारोह के बीच में अयोध्या से लाया गया श्रीराम का पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र होगा। हर जगह महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं भोपाल के बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के 108 सदस्यों ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपनी भव्य प्रस्तुति दी थी। इसके बाद अभी मंडली भोपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर अनोखा आयोजन करने जा रही है। शिवरात्रि की सुबह बाबा बटेश्वर मंदिर से चल समारोह निकाला जाएगा। साथ ही समारोह में आगे युवतियां शंखनाद करती नजर आएंगी। श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के आयोजक अर्जुन सोनी ने बताया कि समारोह के बीच में अयोध्या से लाया गया श्रीराम का पुष्पक विमान आकर्षण का केंद्र रहेगा। श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति की तरफ से मैं अर्जुन सोनी अध्यक्ष आप सभी को बताना चाहता हूं कि सबसे हर्षोल्लाहित की बात है कि अयोध्या जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान रामलला के मंदिर में जो पुष्पक विमान गया था जिसमें भगवान रामचंद्र जी विराजमान थे वो पुष्पक विमान 7 तारीख को भोपाल आ रहा है और उस पुष्पक विमान को 8 तारीख को भोपाल के नगर भ्रमण के लिए हमने बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के बैनर तले हम लोग नगर भ्रमण कराएंगे। पुष्पक विमान जो कि सुबह 9:30 बजे भवानी चौक सोमवारा से मतलब चौकी इमामबाड़ा जनकपुरी छोटे भैया कान्नर हनुमानगंज मंगलवारा इतवारा चौक सुभाष चौक झंडा चौक लखेरापुरा होते हुए वापस रात्रि 9 बजे तक कर्फ्यू वाली माता के मंदिर पर समापन होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी भी वहाँ से अयोध्या से पुष्पक विमान यहाँ 7 तारीख को पहुँच रहा है। समारोह के आखिरी में 125 युवा की डमरू टीम प्रस्तुति देगी। लगातार हावी होते पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ डमरू टीम का प्रयास है कि सभी को सनातन की ओर आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। EMT न्यूज के लिए विनय लांगमल की रिपोर्ट।